चलिए अब हमारी ईद की तैयारी शुरू हो गई। हमने ये 250 ग्राम उड़द की दाल ली थी, उसे भिगो दी थी और इसको हमने पीस लिया सिल बत्ते पे। ये देखिए अब जो है इसमें हम डालेंगे अदरक का पाउडर, आधा चम्मच, ये आधा चम्मच हम इसमें लहसुन का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे, ये हरा धनिया है जिसका हमने पाउडर बनाया था ये हम डालेंगे आधा चम्मच, और ये हम डालेंगे पीली मिर्च एक जरा सी, इसमें डालेंगे हम ये मीठा सोडा बिल्कुल जरा सा, ये हमारे बनेंगे ईद का स्पेशल दही बड़ा। शीरखुरमा बनेगा, सेवैया बनेगी, पुलाव बनेगा, चिकन कोरमा बनेगा और रोटी बनेगी। रमजान हमारा गया, अब हमारी ईद की तैयारी शुरू होगी। अब हम इसे ढक देते हैं और आगे हम दूसरी तैयारी करते हैं। अब यहाँ पे हमने 1 किलो दही लिया, अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, हल्का सा, ये शक्कर हम डालेंगे 2 चम्मच, क्योंकि हमारे यहाँ नीचे थोड़े से तीखे ऐसे दही बड़े खाते हैं, तो ये हमने दही बड़ों का दही तैयार कर लिया है। ये भी हमारा हो चुका है, अब हम दही बड़े बनाने जाएंगे। हम इसे ऐसे बनाएंगे, कटोरी पे पॉलिथीन की थैलियाँ रखेंगे, इस तरीके से बनाएंगे हम। तेल भी हमारा हो चुका है, ये हमारा पक चुका, अब इसे हम पानी में डालेंगे। इस तरीके से तैयार करते हैं दही बड़े। ये देखिए पानी में डाल दिए थे, अब ये इस तरीके से ऐसे निचोड़ के हम इसे रख देंगे। हम करेंगे चिकन खुश्के की तैयारी। ये बनने जा रहा है चिकन खुश्का।
ये 1 किलो हमने चिकन लिया, ये सारे मसाले हैं, प्याज भून रही है, अब हम इसे बनाएंगे। यहाँ पे 3 प्याज हमारी भून रही है, इसे ब्राउन कलर करेंगे हम। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, यहाँ पे ये डालेंगे हम 1/2 चम्मच पीली मिर्ची, 1 चम्मच डालेंगे चिकन का मसाला, ये जो हमने घर में बनाया था, 1/2 चम्मच हम डालेंगे धनिया, 1/2 चम्मच ये गरम मसाला, ये हरा धनिया सूखा हुआ जो हमने पाउडर बनाया, ये पड़ेगा नमक, सेंधा नमक, इसमें ये पड़ेगा दही, और ये हमने पालक का पाउडर बनाया, ये थोड़ा सा डलेगा, ऐसे हम मिला देंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब इसे हम मिक्सचर में थोड़ी सी पीस लेंगे और 1 चम्मच हम डालेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज को हम पीस लेते हैं। प्याज हमारी पीस चुकी, अब इसको हम इसमें डाल देंगे, पीसी हुई प्याज, भुनी हुई प्याज को इसमें हम डालेंगे, इसे खूब अच्छे से हम मिला लेंगे। 5-6 घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो ये हमारा बनेगा चिकन खुश्का। ये देखिए हमने खूब अच्छे से इसको मिला लिया, और आप अगर तेज ज्यादा खाते हैं तो आप ज्यादा मिर्ची डाल सकते हैं, हम जरा मिर्ची कम खाते हैं इसलिए हमने मिर्ची कम डाली है। अब इसे हम ढक देते हैं 5-6 घंटे के लिए, उसके बाद ये पकेगा, ये हमारा रेडी हो गया, ये हमारा रेडी हो गया, अब इसे हम ढक देते हैं। तेल हमारा हो चुका, अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल देंगे, सारा चिकन हमने इसमें डाल दिया है, अब इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे। पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसी में ये पकता रहेगा चिकन खुश्का, खुश्का यानी खुश्क चिकन। इसे हम ढक देंगे, धीमी आंच पे पकने देंगे। शीर खुरमे के लिए हमने दूध को पकने रखा है, अभी हम बनाएंगे शीर खुरमा। 3 बड़े चम्मच हम इसमें शक्कर डाल देंगे दूध में,
ऐसे खूब पकाएंगे। यहाँ पे दूध भी हमारा उठा दिया हमने खूब अच्छे तरीके से शीर खुरमे के लिए। और यहाँ पे हम खुश्के को भी देख लें, चिकन खुश्के को। ये भी हमारा बिल्कुल रेडी होने वाला है। चिकन भी गल चुका, बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। यह हमारा पक के बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पे दूध भी हमारा हो चुका है। अब जो है हम सेवइयों को बनाएंगे, इसको कर देते हैं बंद। यह हमारा रेडी हो गया। देखिए कितना बढ़िया हमारा चिकन खुश्का बन गया, एकदम मज़ेदार। ये देखिए अभी ईद की तैयारी भी बहुत हो चुकी है। अब चलिए हम शीर खुरमे की तरफ जाएंगे। अब इसके लिए हम सेवइयाँ बनाएंगे। एक चम्मच हमने घी डाल दिया था क्योंकि शीर खुरमे में ज़्यादा घी नहीं पड़ेगा। और ये रोस्टेड सेवइयाँ हैं। घी बहुत गर्म हो गया इसलिए हमने चूल्हे को बंद कर दिया था। अब इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे। ये बनेगा हमारा शीर खुरमा। अब इसमें हम ये कटी हुई बादाम, पिस्ता पाउडर और चिरौंजी ये हम डालेंगे। और इस सेवइयों को ज़्यादा हमें नहीं भुनना क्योंकि ये वैसे ही रोस्टेड है, तो हमें ज़्यादा नहीं भुनना है। ये अच्छे से हमारा भून चुका। अब चूल्हे को हम कर देंगे बंद। ये हम यहाँ पे दूध में डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा एक ड्रॉप एसेंस डालेंगे केवड़े का, बस। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा शीर खुरमा बन गया। सारी तैयारी हमारी हो चुकी है, बस सिवइयाँ बाकी रह गई है। रोटियाँ, कितना बढ़िया हमारा शीर खुरमा बन के तैयार हो गया। अब हम सिवइयाँ पकाएंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे घी को, 200 ग्राम की हम सेवइयाँ बनाएंगे। चार चम्मच घी पड़ेगा। ये सेवइयाँ रोस्टेड है इसलिए हमें इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करनी है क्योंकि ये बड़ी जल्दी हो जाती है। ये हमारी हो चुकी है। अब इसमें हम ये किशमिश, पिस्ता पाउडर डाल देंगे। अच्छी तरीके से हमारी भुन चुकी है।
अब इसमें हम एक गिलास दूध डाल देंगे। और ये 4 चम्मच शक्कर डालेंगे। केवड़ा एसेंस डालेंगे। अब हम इसे दम पर देंगे। आंच को करेंगे तेज। इसमें हमने पानी नहीं डाला, हमने 1 गिलास दूध डाला। दूध में सिवैया बड़े मजे की बनती है। और इसमें हमने डाल देंगे थोड़ी सी टूटी फूटी। अब इसे हम ढक देते हैं, ये दम पर आ जाएगी। यहाँ पर हमारी सेवइयाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये देखिए। सारा खाना हमारा बन चुका है। यहाँ पर ये हमारे दही बड़े बन चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे, ये थोड़ा चाट का मसाला डालेंगे। थोड़ा सा हम ये हरा धनिया डालेंगे। ये हमारे दही बड़े रेडी हो चुके हैं, ये देखिए, बढ़िया और मजेदार। ये हमारा बन चुका है चिकन खुशका, ये देखिए। इसको भी हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे। और ये हमारा बन चुका शीर खुरमा, ये देखिए। बढ़िया और मज़ेदार। यहाँ पे हमारी सेवइयाँ रेडी हो गई, ये देखिए। चलिए, ईद भी हो चुकी, रमज़ान गया, ईद हो गई। अब जो है ये बढ़िया बढ़िया खाने आते साल हमें ईद के खाने मिलेंगे। वैसे ईद के दिन ये जब हम बनाते ना, इसमें कुछ मज़ा और ही होता है और वैसे मज़ा कुछ और होता है। तो ये सारी चीज़ें, अभी और भी चीज़ें बाकी है बनानी। जो पुलाव पकेगा, परोठे पकेंगे और कोरमा है, तो ये सारी चीज़ें मैंने दिखा दी है आपको, ये देखिए। और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, बहुत बहुत। चलिए, अब इजाज़त चाहती हूँ। शब्बा खैर।